हेलो दोस्तों दोस्तों YRF के स्पाई यूनिवर्स में अब तक करीब 11 सालों में 4 मूवी आ चुकी हैं एंड चारों ही ब्लॉकबस्टर रही हैं, जिनमें से केवल एक फिल्म थी जो 200 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन जो तीन फिल्में हैं उन्होंने 300 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया है एंड पठान ने तो 500 करोड़ की ओपनिंग की है। पहली फिल्म थी एक था टाइगर, जो 197 करोड़ ही कमा पाई थी नेट, और टोटल कलेक्शंस ज़्यादा होंगे 300 करोड़ के आसपास होंगे, लेकिन नेट कलेक्शंस केवल 197 करोड़ थे एंड उस वक्त आगे थी आमिर खान की 3 इडियट्स, जिसके बाद रिकॉर्ड बदले लेकिन फिर आई टाइगर जिंदा है। अली अब्बास जफर लेके आए थे एंड मूवी ने नेट कलेक्शंस किया था करीब 337 करोड़ का नेट। एंड उसके बाद आई वॉर, ओपनिंग रिकॉर्ड बनाया था वॉर ने, जो धमाकेदार था, करीब 54-55 करोड़ रुपए कमाए थे वॉर ने फर्स्ट डे पर, ओपनिंग डे पर। उसके बाद फिल्म डाउन हो गई थी लेकिन फिर भी 317 करोड़ तक पहुंच गई थी ईजिली एंड नेट कलेक्शन थे करीब 317 करोड़ रुपए वॉर के। हो सकता है थोड़े ऊपर नीचे हो लेकिन 300 करोड़ से ऊपर ही थे एंड ग्रॉस कलेक्शन और ज़्यादा होते थे। अब आई पठान, मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की एंड 3 दिन में आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 दिन में 150 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया था पठान ने नेट कलेक्शंस। एंड पठान के टोटल 543 करोड़ हो चुके हैं हिंदी तमिल तेलुगु के नेट कलेक्शंस एंड केवल हिंदी के 525 करोड़ के आसपास है पठान के नेट कलेक्शंस केवल हिंदी में। एंड आज अपडेट निकल के आई है वॉर 2 से, अयान मुखर्जी इसे डायरेक्ट करेंगे स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड यार आई डोंट थिंक इट्स अ गुड चॉइस। मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो बना के कहा भी था कि यार आई डोंट थिंक इट्स अ गुड चॉइस, यार अयान मुखर्जी को रोम कॉम ड्रामा फिल्में बनानी चाहिए, यार आई डोंट थिंक ये सही डिसीजन है YRF की तरफ से। एंड YRF पता नहीं करना क्या चाहता है, YRF ने हर फिल्म अलग अलग डायरेक्टर से डायरेक्ट करवाई है, सिर्फ वॉर एंड पठान को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। फर्स्ट फिल्म आई थी कबीर सिंह ने डायरेक्ट की थी एंड उसके सॉरी कबीर खान ने, एक था टाइगर, उसके बाद टाइगर कबीर खान ने डायरेक्ट की थी, टाइगर जिंदा है अली अब्बास जफर ने। उसके बाद वॉर को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था, पठान को भी सिद्धार्थ आनंद ने ही डायरेक्ट किया एंड सिद्धार्थ की ये बैक टू बैक दोनों फिल्में थी YRF के यूनिवर्स में। एंड यार अब पता नहीं ये क्या डिसीजन ले रहे हैं, मतलब जो डायरेक्टर इतनी बड़ी फिल्में दे चुका है, 800 करोड़ उसने कमा के दिए हैं आपको नेट कलेक्शन केवल हिंदी में, तो यार उसे हटा के आप अयान मुखर्जी को लेके आ रहे हो, ये क्या है, ये तो सही नहीं है, आई डोंट थिंक ये सही है, ये रिस्क वाला काम हो गया। अयान मुखर्जी रोम कॉम फिल्में बनाते हैं, ड्रामा बनाते हैं, उन्हें एक्शन स्पाई फिल्में, यार ये गलत चॉइस है, पूरी तरह से गलत है। एंड इसके बाद पठान के बाद अब YRF में आने वाली है टाइगर 3 सलमान भाईजान की, इसके बाद आएगी वॉर टू की स्क्रिप्टिंग डन हो चुकी है एंड टाइगर 3 की शूटिंग आई गेस कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीट अगर नहीं हुई है तो। एंड फिर एक अपडेट मुझे मिली है, एक नाम मुझे दिखाई पड़ा है, टाइगर वर्सेस पठान, ये तो यार मुझे सही नहीं लग रहा कुछ, ये तो एक एक्सपेरिमेंट जैसा हो गया कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए, जैसे DC ने किया था करीब 6-7 साल पहले बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के तौर पे। एंड यहाँ पे कहानी क्या होगी टाइगर वर्सेस पठान, सिर्फ मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ अभी के लिए कि शुरुआत में कुछ दोनों के बीच तनातनी होगी एंड आखिर में आकर दोनों एक ही साइड हो जाते हैं, दोनों सही की तरफ हो जाते हैं। ये है एंड टू बी ऑनेस्ट, ये वॉर 2 अयान मुखर्जी वाला ये सही नहीं है, ये रिस्क वाला काम हो गया, सिद्धार्थ आनंद को ही डायरेक्ट करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी तो उनको ज़्यादा पता होगा कि चीज़ें कहाँ से कैसे किस तरह से उन्हें रखनी है, प्रेजेंट एग्जीक्यूट करनी है, तो सिद्धार्थ आनंद को ही इस मूवी को बनाना चाहिए वॉर 2 को। वॉर की जो सारी फ्रेंचाइज जो भी आएंगी, जो भी मूवी आएंगी इस फ्रेंचाइज में वॉर को लेकर, वो सिद्धार्थ आनंद के ही नाम होनी चाहिए। एंड टाइगर ऑफकोर्स अली अब्बास जफर एंड फिर पठान भी कहीं ना कहीं यार सिद्धार्थ आनंद के ही नाम होनी चाहिए क्योंकि वो एक्शन डायरेक्टर हैं, यार अयान मुखर्जी कौन है, वो ड्रामा फिल्म बनाते हैं एंड उनकी हाल ही की फिल्म आई थी ब्रह्मास्त्र, जो कि ना एक्शन के मामले में अच्छी थी, ना कहानी के मामले में, ना VFX के मामले में कहीं से भी अच्छी थी। भाई मेरा ये टेक है एंड अयान मुखर्जी को नहीं बनानी चाहिए, अयान मुखर्जी को दूर रखना चाहिए स्पाई एक्शन फिल्मों से। भाई ये है मेरा टेक, आपका इस पर क्या टेक है लिख के बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नितेश आनंद साइनिंग ऑफ, थैंक यू।